आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और आज से उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी पार्क में जनता को प्लास्टिक का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी की टिहरी लोकसभा की सांसद रानी राज्यलक्ष्मी शाह ने भी आम जनता से पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की। गांधी पार्क में पहुंचे स्कूली बच्चों ने भी पॉलिथीन का प्रयोग न करने को लेकर संकल्प लिया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी संदेश दिया। जो आज से जो अभियान शुरू किए हैं बहुत ही अच्छा है। पूरा दुनिया के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग जो आदरणीय मोदी जी ने शुरू करे हैं और हम सभी लोग मुझे लगता है इसके बारे में समझ रहे हैं और इसको आगे कैसा ये प्लास्टिक फ्री करेंगे। सब लोग बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं और समय लगता है, मुझे पूरा विश्वास है सब लोग मिलकर इसको कम्प्लीटली प्लास्टिक लेस करेंगे। पॉलिथीन पर्यावरण की सबसे बड़ी दुश्मन है और आज स्कूल के इन छोटे बच्चों ने यह संकल्प लिया है कि वो अब से पॉलिथीन का ना तो इस्तेमाल करेंगे और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। गांधी पार्क में ये बच्चे पहुंचे हैं और हाथों में जो इनके स्लोगन है एक संदेश ये दे रहे हैं कि से नो टू प्लास्टिक। इन बच्चों से बात करते हैं, किस तरीके से आप आज मैसेज दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि पॉलिथीन से बहुत पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, इसलिए क्या पॉलिथीन बंद कर दी जाए। और हम आज गांधी जयंती के उत्सव पर हम प्रस्तुत हुए हैं यहाँ पे। आप क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि पॉलिथीन को बंद कर दें, मतलब उन्हें उनका प्रयोग ना करें ताकि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। हम लोगों को जागरूक करेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा पॉलिथीन का इस्तेमाल घर में जब मम्मी सब्जी के लिए जाती हैं, वो वहाँ से पॉलिथीन में सब्जी लाती हैं, तो क्या अपील मम्मी से कहेंगे, क्या कहेंगे? हम मम्मी से ये कहेंगे कि प्लास्टिक का यूज ना करें। अगर वो हमें पॉलिथीन में कोई सामान दे रहे हैं तो हमें उन्हें मना करना होगा।